और ये इतिहास में है, माजी में है कि जब जब they've got their backs to the wall, ये टीम अच्छा करती है। जब लगता है ना कि ये टीम गिर चुकी है, उसी वक्त ये खड़े होने की कोशिश करते हैं। उनको इसी तरह से जज करें कि वो जब वो नीचे से जमीन में पाताल लोक में चले जाते और फिर खड़े होते हैं। पर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लानत मलानत भेजना शुरू कर दिए कि आप क्या टीम है, कोई टीम है, दो कौड़ी की टीम है, तो पाकिस्तान आपको ऐसा झटका देगी कि आप उबर नहीं पाएंगे। When you write off Pakistan, yeah, is when they will come back and haunt you and they will play their best. Cricket naam hi bounce back karne ka hai. Jo team jitna acha bounce back karti hai, utna acha wo aage chalke kaam karti. Abhi koi Pakistan ko lightly nahi le raha hai. Abhi bhi baaki teamon mein khauf hai ki Babar Azam kya karega, Fakhar Zaman kya karega, Shahin Afridi kya karega, Harris Rauf kya karega. Ye khauf hai. Aur ye Pakistan ki taakat hai. Jab jab us team ki पीठ दीवार पे लगी, और ये इतिहास में है, माजी में है कि जब जब they've got their backs to the wall, ये टीम अच्छा करती है। क्योंकि इस टीम के साथ हर कुछ इम्पॉसिबल लग रहा था। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी उठाएं आप, 1992 वर्ल्ड कप उठाएं आप, जब लगता है ना कि ये टीम गिर चुकी है, उसी वक्त ये खड़े होने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की ये सदियों पुरानी कहानी है कि जहां पर उम्मीद ना के बराबर होती है, वहां से पाकिस्तान की तकदीर शुरू होती है। बट पाकिस्तान हमेशा, आप 1992 ऐड कर दो, वो टीम हमेशा टेक ऑफ लेट शुरू करती है, बट दे नो हाउ टू पीक। और मेरा मानना है बड़ी टूर्नामेंट में जो टीम नीचे से ऊपर आती है वो हमेशा डेंजरस होती है। हम लोग कह तो रहे हैं उनका मिडिल ऑर्डर कमजोर है, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप पाकिस्तान जैसी टीम को जब भी जज करें उनको इसी तरह से जज करें कि वो जब वो नीचे से जमीन में पाताल लोक में चले जाते और फिर खड़े होते हैं। 1992 वर्ल्ड कप सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। टीम हारी हुई है, वो एडिलेड में 86-82 ऑल आउट हो गई है, बरसात ने बचा लिया, टीम बाहर हो रही है, तो इमरान खान कहते हैं हम जीत रहे हैं। क्या जीत रहे हैं? वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। एंड देन लोग 1992 की बात करते हैं। 1992 शायद बहुत लोगों को यह मालूम होगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन हुआ था इमरान खान की कप्तानी। शायद लोगों को यह नहीं पता होगा कि उस वक्त उस टूर्नामेंट में, उस वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान वाज ऑन द वर्ज ऑफ इलिमिनेशन। एक मैच हुआ था जहां पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 74 ऑल आउट कर दिया था, 74। पाकिस्तान सारे मैच हार चुका था, सिर्फ एक मैच जीता था, और 74 रन अगर आराम से 75 रन इंग्लैंड बना देता, पाकिस्तान उसी दिन वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता। लेकिन बरसात आ गई, प्रोविडेंस, बरसात आती है, बरसात के कारण पॉइंट स्प्लिट हो गए, और इमरान खान देन कैप्टन अपनी पूरी टीम को बुलाते हैं। 39 साल के इमरान खान, जिन्होंने 1987 में रिटायरमेंट ले ली थी, जिया उल हक ने 88 में कहा नहीं आप वापस आए, वो वापस आए, उन्होंने कहा जी वर्ल्ड कप जीतना है 1992। तो वो सारी टीम को अपने कमरे में बुलाते हैं, और सारे प्लेयर मुझे बताते हैं, कहते जी जब इमरान ने हमें बुलाया तो हमें लगा भी आज तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम। तो इमरान बैठते हैं, इमरान खान कहते हैं मैंने हिसाब लगा लिया है, अब सबको लगा मेरा हिसाब लग गया, अभी चल भी तू वापस जा। इमरान के मुंह से क्या निकला? हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। और प्लेयर कहते हैं हमने इमरान की तरफ देखा कि यार ये कैसे बोल रहे हैं हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, हम एक मैच नहीं जीत सकते। लेकिन उसके बाद उस टीम में विश्वास आया, उस टीम ने अगले दिन से क्या किया, उन्होंने कहा जी दिल से खेलेंगे, जिगर से खेलेंगे। इमरान खान ने कह दिया हम जीत रहे हैं वर्ल्ड कप, तो जीत रहे हैं, और वर्ल्ड कप जीते। वैसे ही पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो क्रिकेट टीम है जिससे आप उम्मीद ना करें तो अच्छा करती है। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपना फेवरेट बना दीजिए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे खराब टीम होती है। वो आपको इतना डिसअपॉइंट करते हैं, आपको लगता है ये कैसी टीम है। और आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मबैन 9 जून को T20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा टाकरा खेला जाना है, और इस हवाले से पाकिस्तान शायकीन तो बहुत ज़्यादा मायूस है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी इंग्लैंड के खिलाफ काफ़ी मायूस कुन थी। लेकिन आपको हमने इस वीडियो में दिखाया कि इंडिया के कुछ मशहूर एंकर्स का कहना है कि पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप में बहुत आगे जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान बड़े इवेंट में जब भी नीचे से ऊपर आती है तो पाकिस्तान टीम बड़ी टीमों को भी हराने का माता रखती है। और मशहूर एंकर विक्रांत गुप्ता का कहना था कि पाकिस्तान टीम को इस बार इंडिया के खिलाफ बहुत बड़ा एज हासिल है, क्योंकि जहां पर पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के मबैन मैच खेला जाना है, वहां की जो कंडीशन है वो पाकिस्तानी बॉलर्स को काफी सूट करेगी। तो दोस्तों आप क्या समझते हैं कि इस बार इंडिया को पाकिस्तान टीम इस बड़े इवेंट में हरा पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।